I went through a minor surgery and it is hurting a lot. हेलो एवरीवन, एक नए फ्रेश व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, बट देन आई एम नॉट डूइंग फिट एंड फाइन। द रीज़न इज, जैसे कि आप सभी लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, तो रीज़न मैं कल व्लॉग नहीं डाल पाया इज़ कि मुझे एक छोटा सा एक माइनर जो है सर्जरी करना पड़ा था। क्योंकि रीज़न मैं जो आपको बताता हूँ, एक्चुअली 1-1.5 महीने से पहले मुझे एक एब्डोमिनल में, मतलब वो नाभि के नीचे छोटा सा एक जो है बॉयल आया था, तो मैं उतना ज़्यादा उसको ध्यान नहीं दिया, तो उसको वो थोड़ा थोड़ा करके ना बढ़ते गया, तो इट बिकेम लाइक दिस बिग। सो मैं गया था हॉस्पिटल दिखाने के लिए, तो उसको मतलब जब मैं अभी परसों के दिन में दिखाने गया था, तो तुरंत उसको बोल दिया गया कि उसको निकालना पड़ेगा। द रीज़न इज़ वो बॉयल है ना, कुछ पका सा था, मतलब फोड़ी के जैसा ही था, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा था। तो जब मैं हॉस्पिटल गया तो उन्होंने बोला कि इसको निकालना पड़ेगा, एंड दैट वॉज सो क्विक, आई डिडंट गेट टाइम कि वो लोग ने बोला तो कर देते, बोला मुझे भी ऐसा ज़्यादा मगजमारी नहीं चाहिए, तो उन्होंने तुरंत वो चीज़ किया जो उनके सर्जिकल जो ये है छोटा सा एक माइनर ओटी में उन्होंने वो कट कर जो अंदर से वो जो पस का है ना कैविटी जम गया था, अच्छा कड़क इतना अच्छा खासा जम गया था, तो वो मुझे खाली एनेस्थेसिया दिया गया उसी पार्ट में। और ये आपको मैं दिखाई देता हल्का सा, ये देखिए ऐसा कुछ ये है यहाँ पर एब्डोमिनल के नीचे, तो ऐसा कुछ वो उन्होंने एनेस्थेसिया उसी पार्ट में दिया और तुरंत उसको कट कर उसको निकाला गया। आई वॉज अवेक, मैं देख पा रहा था उस चीज़ को, एंड आई वॉज लाइक मैड, मतलब मैं उतना ऐसा सामने से ऐसा देख नहीं रहा था, लेकिन जब वो डॉक्टर्स वो कट करके सब कर रहे थे तो हाथ में उनका पूरा ब्लड ब्लड था, तो आई वॉज रियली, दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो मैं थोड़ी देर के लिए आँख बंद किया, तो तभी तक हो गया था। सो ये बहुत ही ज़्यादा क्विक था, सो दैट इज़ द रीज़न द व्लॉग कुडंट कम, एंड 2-3 दिन तक मेरे को रेस्ट करना है। अभी वो जो है पट्टी वट्टी मारा गया है, तो 2-3 दिन के बाद उस पट्टी को निकाला जाएगा, और मतलब ओपन है वो, मतलब उसको स्टिचेस नहीं डाला गया, उसको जस्ट ओपन रखा है, ज़्यादा कुछ इतना बड़ा मेजर नहीं है, लाइक माइनर है, लेकिन मुझे अभी जो है बैठने में, मतलब सीधे बैठने में प्रॉब्लम है, ऐसे मैं टेक के बैठा हूँ इसी रीज़न से ऐसे, तो ये एक रीज़न है। आई होप यू गाइस विल अंडरस्टैंड, और ये आगे मतलब व्लॉग्स आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे, बस एक ही दिन का गैप रहेगा अभी, और 2-3 दिन बाद मतलब कंटिन्यूस व्लॉग्स आते रहेंगे, डेली व्लॉग्स, सो डोंट नीड टू वरी। सो दोज हू आर माय वेल विशर्स, प्लीज़ डू प्रे फॉर मी, जल्दी अपन ठीक हो जाएंगे। एंड इसी बहाने से मुझे एक दो दिन का रेस्ट मिल गया, तो यस्टरडे आई वॉच्ड मनी हाइस्ट, वन ऑफ माय फेवरेट वेब सीरीज, सो इट वाज अ किल, मज़ा आ गया, मतलब बहुत ज़्यादा गैप आ गया, तो एकदम कनेक्ट नहीं हो रहे थे वो डॉट्स, लेकिन आई लव्ड इट, मज़ा आ गया। चलो स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा, जो कोई नहीं देखा तो देख लो, यू लव इट। माई फेवरेट कैरेक्टर इज़ बर्लिन, सो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्टर, आई कैन से आई एम इन लव विद दैट गाय, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट एक्टर एंड ऑब्वियसली प्रोफेसर। सो मनी हाइस्ट देख लिया गया है एंड मज़ा आ गया, कंप्लीट हो गया। सो गाइज ये वीडियो को छोटा सा रखते हैं, यहाँ पर ही एंड करते हैं, वीडियोज़ कल आ जाएंगे, मतलब जो डेली व्लॉगिंग के हिसाब से वो वीडियो आपको ज़रूर आ जाएगा। सो गाइज़ मैं आपको मिलूँगा एक नए वीडियो में, जब भी तक आप इसमें नहीं बोलूँगा कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आई विल सी यू, टिल देन मोर लव मोर पावर, पीस।